समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को दोबारा चुनने का काम किया है। मैं नरेश उत्तम जी को बधाई देता हूँ, अपने नेताओं का धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ जितने प्रतिनिधि उपस्थित हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी राजनीतिक सवाल है, वही मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी हैसियत है राजनीति में, जहां आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के जब तक आंकड़े नहीं बेहतर होंगे तब तक देश के शिक्षा के आंकड़े बेहतर नहीं हो सकते। इसी तरह स्वास्थ्य पर बहुत बहस होती है, क्या मैं स्वास्थ्य से इतना आगे बढ़ गए, यहां तक पहुंच गए, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश के आम लोगों का स्वास्थ्य यहां से बेहतर नहीं होंगे तब तक देश के आगे बेहतर नहीं हो सकते। यहां आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां इस प्रदेश ने बहुत प्रधानमंत्री दिए हैं, राजनीतिक भूमिका भी इस प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण है। जो आंकड़े बेहतर करता है और हम जानते हैं कि समय आने पर राजनीतिक बदलाव भी अगर कोई ला सकता है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक बदलाव लाने का काम कर सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम सरकार में नहीं है, लगभग 6 महीने पूरे हो गए इसकी सरकार के, जनता ने बहुत सीधा वोट सुने, वोट समाजवादी लोगों को भी बहुत मिला, लेकिन हम जीत के पास से पीछे रह गए। जिनको वोट मिला जिनकी सरकार बन गई, आज 6 महीने में जनता सोच रही है कि किन लोगों को मतदान कर दिया, किन लोगों को सरकार में बैठा दिया। जो काम होना था, जो प्रदेश आगे बढ़ना था, प्रदेश में जो खुशहाली लानी थी, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता समझ गई है कि बीजेपी की सरकार में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। प्रदेश अभी सरकार ने स्वेच्छ पत्र जारी किया था, हम समाजवादी लोगों ने एक एक स्वेच्छ पत्र में जो सरकार ने रखा था उसमें जवाब दिया है। ये जो स्वेच्छ पत्र है ये सफेद झूठ का एक किताब से सीधी जनता के सामने, कोई अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए 6 महीने में। और अभी तो हम समाजवादियों ने आसन दिल्ली की सरकार का नहीं किया है, जिस समय आसन होगा प्रदेश को देश की सरकार का, तब आप पाएंगे कि समाजवादी सरकार का बेहतर काम हुए थे, अच्छे काम हुए थे। हम तो कहते हैं जब सड़क का उद्घाटन किया तो सुनो भी मैंने कहा था, और जब घोषणा पत्र मैंने जारी किया तो सुनो भी मैंने कहा था कि ये जो एक्सप्रेस वे बना, जो हम लोगों ने कम समय में बना करके तैयार कर दिया, कहीं देश ने इतनी जल्दी नहीं बना होगा, लेकिन हम लोगों ने बना करके तैयार कर दिया। वो 23 महीने में बन करके तैयार हुआ था, वही सड़क हम गाजीपुर बलिया सुल्तानपुर आगे जोड़ना चाहते थे। आपकी सरकार बनी होगी तो पहले दिन ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काम शुरू हो जाता, लेकिन अभी सरकार बहाना कर रही है कि हम कैसे बनाएंगे, कोई कह रहा है एनएसीआई से बनाएंगे, कोई कह रहा है नीति आयोग से बनाएंगे, लेकिन हम जानते हैं इन बीजेपी लोगों की इच्छा नहीं है कि वो सड़क बना पाए। और उस समय भी मैंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बना सकते इससे बेहतर सड़क, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती तो बना सकती थी।